गाइज यहाँ पे टिश्यू ब्लॉक हम बनाएंगे जो एल ब्लॉक होता है इन द हिस्टोपैथोलॉजी लैब। तो आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं ये हम लोग कैसेट से अभी टिश्यू को निकालेंगे आफ्टर द टिश्यू प्रोसेसिंग। तो उसको जाइलिन में हम लोगों ने डाल दिया और उसके बाद हम लोग ये जो टिश्यू है उसके रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ उसको अनफोल्ड करेंगे। तो पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर को निकालेंगे, उसके बाद टिश्यू को निकालेंगे और वहाँ पर जो है मेल्टेड पैराफिन उसके ऊपर है, ये जो है मशीन है जहाँ पर हम लोगों का क्या होता है ना टिश्यू ब्लॉक बनाया जाता है। तो ये जो होता है हॉट चैम्बर होता है उसके अंदर में कैसेट रहता है और उसके बाद हम लोग अभी ये पैराफिन मेल्टेड पैराफिन वर्क्स जो होता है उसको हम लोग एल ब्लॉक जो होता है दोनों एल ब्लॉक को मिला के जो रेक्टेंगुलर शेप होता है उसको रखेंगे। उसके बाद पैराफिन डाल के और उसको कोल्ड ट्रीटमेंट यानी यहाँ पे जो अदर साइड है ये कोल्ड है और ये जो होता है एल ब्लॉक होता है और ये कोल्ड साइड में क्या हो जाएगा ये पैराफिन जो है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा और थोड़ी देर बाद उसके रजिस्ट्रेशन के नंबर के साथ ये जो टिश्यू है जिसको हमने नीचे रखा है ताकि माइक्रोटोमी में हेल्प हो उसके बाद उसको हम लोग कट कर लेंगे। अभी हम लोग इसको कट कर देंगे लेकिन ये थोड़ा सा सॉलिडिफाई अच्छे से नहीं हुआ है, थोड़े टाइम के बाद हम लोग उसको कट करने के बाद ऐसा ही दिखता है ये जो टिश्यू ब्लॉक होता है।